हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4 बज गए हैं और उसको जाना है ट्यूशन में, और मैं आई हूँ उसे लेने के लिए क्योंकि वो यहीं पर है। इसने अपना ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। वैसे बच्चा ध्यान रखता है, समय समय पर काम करता रहता है। तो यहाँ पर इसके पास में थी गुड्डू, और ये देखो यहाँ पर नमकीन इंजॉय कर रहा, और क्या कर रहा है, कंप्यूटर देख रहा है। अब ये बताओ अपना अकेले टाइम पास कैसे करे? इससे बिल्कुल भी अपनी दोनों छोटी बहनों के बिना टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कितने बज गए ये बोलता रहता है बीच बीच में। और क्या पूछ रहा था गुड्डू? ये 5-6 बार इसने पूछ लिया कितने बज गए, तो इसका मतलब फिक्र भी रहे। और चलो भाई आ जाओ। वैसे इसने मना नहीं करी ना सुबह स्कूल में जाने के लिए की ना ट्यूशन के लिए, जैसे ही अकेला है। और ये देखो हमारे जो नोरते हैं नीचे, तो जहाँ पर मैंने कलश रख रखे हैं वहाँ पर तो जो है होने नहीं दिए, छूने सारे ख़राब कर दिए। लेकिन ये वाले जो मैंने यहाँ पे गमले में बोए थे ना, वो बहुत अच्छे हो रहे। आज रात में मैं ना इनकी वो हटा दूँगी जो कपड़ा और पन्नी रख रखी। और मेरे में और चिंकी में शरत लगी थी कि किसके सबसे अच्छे होंगे, तो चिंकी वाले बहुत कम हुए। ये देखो ये तो बोए थे चिंकी ने अपने हाथ से, नज़दीक से दिखाऊँ आप, हो जाएंगे। लेकिन ये भी जब तक दशहरा होगा तब तक हो जाएंगे अच्छे। ये तो बोए थे चिंकी ने, और ये बोए थे मैंने, ये वाले कुछ ऐसे हो रहे हैं ये देखो। लेकिन मैंने पन्नी ढक रखी इन पर अभी। ये गिलहरी जो हो ना बहुत घूमती रहे यहाँ, या फिर कबूतर ये दाने ना चुग ले तो इस वजह से। और इस पर भी कपड़ा ढक देते हैं। और चिंकी कह रही थी आपने इसमें पानी नहीं डाला, मैंने कहा बेटा एक दिन तो बारिश ही होगी, पानी इनमें बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इस तरीके से रात को उगाड़ दूंगी इन्हें। तो अभी ये तो जाएगा ट्यूशन में, और मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट करूंगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। खाने में क्या क्या बनेगा? वैसे मैंने लौकी ले रखी है, और आलू गोभी इन सब के लिए बना देंगे, और अपने लिए लौकी बना लेंगे के लिए। अगर गुड्डू के पापा बोलेंगे कुट्टू का कुछ बनाने के लिए तो वो बना दूंगी। अभी बज गए हैं 5:30, और खाना बनाने की तैयारी करूंगी जल्दी से। गुड्डू के पापा भी आ गए हैं मार्केट से, तो ये ले आए केले, और यहाँ पे थोड़े से मखाने, और ये माँ के लिए ओट्स। ओट्स का की बार आया है डब्बा, शायद इसमें पैकेट है, तो माँ को हल्का फुल्का देना ना, तो उनकी हेल्थ के लिए ये अच्छा रहेगा। और जिस दही को गुड्डू ने तू सब चाय में डाल दिया था वो भी जम के तैयार हो गई है, और मैंने 11 बजे जमाई थी। अभी मैंने ले लिए हैं लौकी, और सबसे पहले सब्जी को काट लेते हैं। लौकी और आलू मिक्स करके बनाऊँगी मैं। और आरुष भी आ गया, ये देखो वो आ गया ट्यूशन से। आज जल्दी आ गए आप, आ जाओ। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना मैं गैस के चूल्हे पे बनाऊंगी क्योंकि मिट्टी का चूल्हा ऊपर से उतरा हुआ नहीं है। वो जो पुराने वाला था वो बिल्कुल अलग हो गया था परसों, फिर मैंने सब वहां से उठा के निकाल ही दिया। मैंने सोचा नया रख लेंगे, तो जब गुड्डू के पापा आ जाएंगे तब रखवा लूंगी मैं। तो अभी सबसे पहले मैं बनाऊंगी बर्ती वालों का, और साथ साथ में चरती वालों का भी चलता रहेगा काम क्योंकि कई सारी चीजें बनेगी। तो मैंने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया, और बस सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। ये जीरा डाल दिया, ये डाल के देखती, और बस लौकी और ये आलू। तीसरे नवरात्रे को गुड्डू के पापा चुलाई लेकर आए थे कि लड्डू बनाना, लेकिन अभी तक उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा, और माँ की भी तबीयत ख़राब है, प्रीति भी गई हुई है, तो इस वजह से घर के रूटीन में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, फिर व्लॉग का भी काम होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं बनाऊँगी आज, कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि गुड्डू के पापा बोल रहे थे तुझे कभी टाइम मिलता है अभी है या नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा टाइम। तो ओट्स का पैकेट अच्छे हैं डब्बे में है अब की बार में, तो इन्हीं डब्बे में ही रखे जाएंगे, फिर सीलन भी नहीं आती है, नहीं तो फिर कीड़े होने का जल्दी से इनमें डर रहता है, और ये उतर भी जाते हैं अगर खुले रहते हैं तो, फिर खाने में 15 दिन बाद ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल के ना फ्राई कर लूँगी, और फिर जो है ये खाने में टेस्टी लगता है। मसाला ओट्स को तो फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम सिंपल से तरीके से पानी में डाल के ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इनको नमक का बनाए तो इस तरीके से करना पड़ता है, तो मीठे भी बन जाते हैं और नमक के भी, लेकिन मीठा खाने से जो है एनर्जी सी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि नमक का ही बना देते हैं ये वाला ओट्स, और इस तरीके से बिल्कुल एकदम सिंपल से तरीके से। इधर हमारे कुकर में भी सीटियां पे सीटियां लगती जा रही है, तो कुकर उतारने के बाद में अभी मैंने एक कढ़ाई और रख दी है, फिर इसमें डाल दिया है देसी घी, और अभी मैं इसमें ये मखाने फ्राई कर लूँगी, फिर बनाऊँगी इनकी सब्जी। मखाने फ्राई हो चुके हैं, और दोबारा फिर से मैंने कढ़ाई चला दी, और थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं देसी घी। जब घी का यूज हो रहा तो मैं सोच रही कि चलो घी में बना दो कोई बात नहीं। तो ये नमक मिर्च डाल दिए, इधर ओट्स भी बन के तैयार है माता जी के लिए, ये देखो। और ये वाला गैस बंद कर दिया। तो सबसे पहले और ये पीस लिए मैंने टमाटर, लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं नवरात्रों में, तो लहसुन प्याज को छुट्टी कर, सिंपल सा खाना बनाएंगे सिर्फ जीरे से छोंक कर।
थोड़ी डालेंगे सर मलाई। तो इधर मैंने जीरे में जो है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था जो कलर वाला होता है, और ये टमाटर की ग्रेवी डाल दी है। चिंकी मेरी हेल्प करती रहती है। और यहाँ पर ये ग्रेवी जो है अच्छे से पक गई है, तो अभी इसमें डाल देते हैं मसाले। और माँ को मैं सर्व कर आई, देखो दलिया मेरा माँ और ले लियो। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं अभी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नमक चेक करने का बड़ा ध्यान करना पड़ा है व्रत के टाइम में ना, नमक का बड़ा ध्यान करना पड़ा है क्योंकि महिलाओं को ना नमक टेस्ट करने की आदत पड़ी है खाने में। तो ये मलाई हमने डाल दी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी डाल देते हैं इसमें ये मखाने। ये ऐड कर दी मैंने इसमें कसूरी मेथी। ये देखो जी सब्जी हमारी बस थोड़ी सी पकानी रेडी हो जाएगी बनकर। तो ये बन गई है लौकी और आलू की सब्जी, और बस इसे बंद करके रख देते हैं। इसको मैंने मैश कर दिया है दोनों को अच्छे से। मैं टाइफाइड है बुखार, और माँ को आ रही थी उल्टी, और माँ ना बात कर रही है देती तो भाई सृष्टि का फोन आ रहा है। तो सृष्टि कहाँ है भाई? देख रही देख। अरे कहाँ है सृष्टि भाई? अरे नमस्ते भाई, नमस्ते। जीत रहे हो आज टुप्पनी अड्डा का, गर्मी होगी वहाँ से है। परसों तो टुप्प ओड रखा था वहाँ बहुत मजबूत वाला है सृष्टि। मौसम ठीक हो रहा है इसका, जब तो नंदनी का हो रहा है मौसम खराब। क्या कर रहे हो आप लोग, इतनी ठंड पड़ गई क्या? गुलबर्ग में रह रहे हो क्या आप है? नमस्ते, ठीक है सिमरन? सामने तो दिखाई दे नहीं रहे, यहाँ दिख गए बेटा तुम। फोन ना फोन कुछ भी नहीं है, पता था दे नहीं रहे हो कुछ। मूंगफली खा रहे हो बेटा, चिढ़ा भी रहे हो, तुम्हारी भाव भंगी में बता रही है। हाँ भाई होमवर्क कर लिया पूरा है? नहीं करा नहीं। स्कूल में तो मिलता होगा या अभी नहीं मिल रहा? नहीं मिल नहीं रहा, पेपर खत्म हो गए। अच्छा पेपर खत्म होने के बाद नहीं मिलता क्या? गया था पेपर खत्म होने के बाद मिला? नहीं ट्यूशन में गया था क्या? गया था। हाँ गया था, पक्का पक्का गया था, पक्का सच्ची बच्ची। और उसी नंदनी के बिना ही कैसा लगा तुझे? बढ़िया लगे। मैम जी को मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था? बढ़िया लगे। और वे कहाँ जा रही है अभी तो पूछा होगा मैम जी ने? जिस दिन चले गई थी उस दिन पूछा था। उसी दिन पूछा था? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पूछा अब तक? पूछा, वे आई क्यों नहीं, लोग पूछ रही थी। और तुमने क्या बताया? वे भी आ गई तो कल ऐसे बोल दिया था। और वो गुड्डा कहाँ है? तो फिर ढूंढवाता फिर है मेरे पास, ऊपर रख रखा अपने आप ही चौकस। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव तल पर टूट पड़ो माँ, दानव तल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी शो तो सिंहों से है बलशाली, दस भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े नवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय, रानी के प्यार की जय, बोलो अम्बे मात की जय। ये बन गई है साबुदाने की खिचड़ी, और इधर रख रखा है मैंने सबके लिए वैसा खाना, और इस साइड में रखा है भर्ती वालों का। तो दोनों खाने जो है बन के तैयार हो गए। अभी ये कढ़ाई हटा दूंगी, ये सामान इधर रख दूंगी, और बस रोटियां सेक दूंगी। सबसे पहले सबको खाना खिलाएंगे और इनको तो इसका नहीं खा रहा, थोड़ी देर में क्या कहेगा? कोई है नहीं क्या मुझे रोटी देने वाला? फिर इसका डायलॉग रहे। ला लिया बेटा, चलो लगा दो आपके पापा की, फिर बाकी सबको दे दिया। तो चिंकी ने अभी सबको खाना सर्व कर दिया है, और इधर इनके नाना जी और पिताजी बाहर बैठे हैं, चाचा जी चारपाई पर, और दोनों समधी समधी ना एक साथ ही खाना खाते हैं। जब से चाचा जी आए हुए हैं घर, बिस्किट खा रही और रोटी नहीं खाई, और परसों से अब आई। परसों इसका ट्रीटमेंट सही शुरू कर दिया था हमने, लेकिन मन नहीं, फिर भी घुमक्कड़ है ना, अब ज़्यादा हो रहा, पैर लटक रहा, यहाँ से सूज भी रहा, इन्फेक्टेड हो रहा पूरा पैर। अभी सब बांध कर रखी, देखो रस्सी में
दोपहर भी आई थी यहाँ, मगर सब बांध लूँ और डॉक्टर को बुलाऊं भाई, लेकिन ये भाग गई, तीन टांग से ही भाग गई, खत्म हो गई थी। यहाँ बैठ आराम से, सब मिलेगा, खाना दाना दवाई सब होगी, ले ले खा, यहीं कर लिया आराम, सुबह फिर तुझे इलाज की जरूरत रहेगी, कहाँ ढूंढते फिरेंगे हैं, आती नहीं एक बंदे के लिकड़ के। और इसका वो इसका बेटा, उसे तो कीड़े चल रहे थे, उसके लिए स्प्रे मंगवाया, तीन दिन से वो लगा रहे, वहीं रहे सड़क पे, मेन रोड पे, वहीं जाकर स्प्रे करें उस पर, अब तो ठीक है। और ये हाथ नहीं आती है, बहुत दूर निकल जा, उसका तो ठिकाना है भी इसके बेटे का, इसका कहीं भी ठिकाना नहीं। लखा बाकी तनाव न लिए, तनाव में बीमारी और बढ़ जा, इलाज हो जाता सही अब तक तो, खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अब भी हो जाएगा, लेकिन सुन ले कर बिल्कुल। आपके पास ही तो नहीं, मैं बता दूँ, और भी बचेगा आदमी। हाँ और बचेगा, ये हमारे डॉक्टर साहब ने बनाया, इसका वजह से ये देखो, ये बना दिया इसका छिनका, और डॉक्टर साहब आए अभी, और अब ये जो है ना, जैसे भी इस पर प्रेशर पड़ेगा, इसका दर्द होगा, या दांत वांत नहीं मारने की, इससे तो होगी सेफ्टी, इसका मुंह नहीं खुलेगा। अभी से लौटा लुटाओ, कुछ भी कर लो, मैं अपना कवर कर लूंगा, बस रुक जा, नहीं देख, अब ये वाली बात चल लेगी। देख सुन, चुपचाप बैठी रहे, चूं भी निकलनी। देखो मेरी बात सुनो। हाँ जी, जब डॉक्टर अपने तरीके से आता है, अपने हर तरह से कवर को, केस को कवर करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास सब फार्मूले। अब मैं इसको ना छेड़ता, इस चीज को ना लगाता तो मुझे काट सकती है, मैं इसको खाद ही लगाऊंगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अब मुझे कैसे नहीं करना, हम जान की जोड़ती है, हमारी अकल की जोड़ता है। बिल्कुल, गत्ता तो मुड़ जाएगा, एक इधर एक इधर, दो तो इसके पैर में क्या कुछ नहीं बैठे, ये तो हो जाएगा, थोड़ा वो है, इसमें सूजन है, इसमें सूजन है, बार बार चट रही है, पकड़ना पड़ेगा, जा बस इसके मुंह कर ले, काटे की नहीं यार, काट ना के बैंगन, बस 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 बस, शांति, थोड़ी देर रुक जा, बस बैंगन तरह की दवा भी देंगे तुझे, बस रुक दूं यहीं तक है, बस फाइनल गया। हां बस, हां यहां तक की सपोर्ट सही है, या सपोर्ट ऊपर होगी, हड्डी टूट के अलग अलग हो रही है इसकी, अजी जुड़ जाएगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगी, चालू हो जाएगी, अजी उसे पता जानवर है, बस 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 बर्दाश्त, अजी बर्दाश्त हो, इसे भी नहीं हो रही बेचारी, बस 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 बस, बेड रेस्ट करना तुझे, एक दिन का है, एक काम कर, खोपड़ी के ये दोनों खोपड़ी ऐसे पकड़ के रखते हैं, तू कुत्ता पड़ा हमेशा, कुत्ते की पकड़ी आई है, कुत्ते की खोपड़ी पकड़ कर रखे, कुत्ता कहीं तेरा कटेगा, अल्लाह कुछ करेगा। खोपड़ी ने छोड़ी।